हेलो बच्चों, बच्चा करता है नेकी कर और दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा। मतलब मैं आपको कह रहा हूं गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है और मैंने खुद ही गलत कर दिया। कमाल है। छी। रोहित क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो बच्चों के साथ। तो बच्चा चाहता है कि भैया हम उसको पढ़ाते रहे और वो देखता रहे और आनंद जो है लेता रहे। सर मजा आ गया, क्या पढ़ाया आपने सर। वंस मोर है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हमें रोटेशन में पढ़ना है लेक्चर नंबर 7 और इसमें हमें करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये है बेटा अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बेटा जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम का रोल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही रोटेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम का रोल आता है और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है बेटा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और उसको निकाला कैसे जाता है, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उस क्लास के अंदर हमें बात करनी होगी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है और उसकी कंजर्वेशन होने पर हम कौन कौन से केसेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है, और फिर हमने बात करी थी कि मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत बेटा। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है, मतलब रोटेशनल पूरक है। जैसा कि वहां पर था बिल्कुल वैसा ही यहां पर आपको मिल रहा है, बट रोटेशन के टर्म्स में मिल रहा है। ठीक है, तो जो रोल मोमेंटम का वहां पर था वो रोल एंगुलर मोमेंटम का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये? इट इज रोटेशनल एनालॉग, एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई बात समझ बेटा। अच्छा, जैसे टॉर्क है, टॉर्क किसका रोटेशनल एनालॉग है? फोर्स का। जिस तरीके से हम टॉर्क निकालते हैं ना बेटा, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जाता है। अगर आप टॉर्क निकालना सीख गए तो एंगुलर मोमेंटम निकालना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेटा ठीक है ना, तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा कैसे निकाला जाता है? तो हमने कहा कि जिस तरीके से टॉर्क लिखा जाता है आर क्रॉस एफ, ठीक है ना, एफ से अगर टॉर्क निकालना है, तो वैसे ही अगर लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से लिखेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो बेटा क्या लिखोगे? आर क्रॉस पी लिखोगे। इट इज गोइंग टू बी अ क्रॉस प्रोडक्ट। आर क्रॉस पी लिखोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा, जो मोमेंटम है पी, जो ये मोमेंटम पी है, इसको आप सकते हो एम इंटू वी वेक्टर, मतलब एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल के लिए लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले पार्टिकल से ही हम शुरू करेंगे और पार्टिकल को ही एक्सटेंड करके हम एक बड़ी बॉडी बनाते हैं। ठीक है ना, तो पार्टिकल से करते हैं अपनी शुरुआत और देखते हैं कि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकाला जाता है, किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आइए बेटा बढ़ते हैं आगे। यहां तक का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल,
और पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकाला जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला आपके सामने वही है, फॉर्मूला क्या है बेटा, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, या आर क्रॉस पी भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक ही बात है। बट अक्सर हमें वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होती है, इसलिए मैं यहां पर वेलोसिटी की टर्म में आपको बता रहा, ठीक है। अच्छा जी सर कैसे करेंगे इसको, तो देखो बेटा करने का तरीका क्या है आपके सामने, आपने अगर ये x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली भैया, ठीक है, और आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसका मास कितना है आपके पास m है, और आपने कहा कि इसकी जो रफ्तार है ना, इसकी रफ्तार v है, इसकी रफ्तार क्या है बेटा, इसकी रफ्तार v है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर आप आगे पीछे ऐसे एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है ना, अब देखना ध्यान से बेटा, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास r वेक्टर है, और इस r और v के बीच का एंगल हमें निकालना है, मान लिया ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, बेटा पॉज करो कमेंट में ठोक दो, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि भैया r और v के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल आपको थीटा दिया है क्वेश्चन ने, और आपसे पूछ रहा है r और v के बीच का एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, बेटा ये एंगल थीटा क्वेश्चन ने दिया है, तो r और v के बीच में कितना एंगल है, पॉज करो कमेंट्स ठोक दो, ठीक है ना। आइए बेटा देखते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अब हम आंसर दे देते हैं। तो क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, आप लोगों ने मेरे वेक्टर का वीडियो देख लिया है, आप लोगों ने टॉर्क का वीडियो देख लिया है, तो मेरे हिसाब से अब लगभग 80% बच्चा सही आंसर देगा, लेकिन 20% तो भैया जिद्दी है, उस बच्चा कैसे क्या करता है, बच्चा करता है नेकी कर और दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा, पढ़ और भूल जा, यह करता है बच्चा। इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है, ये चीज ये गलती नहीं होनी चाहिए, कम पढ़ लो लेकिन जो पढ़ लो दैट शुड बी लाइक 100% रजिस्टर्ड इन योर परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना, वो टेम्पररी मेमोरी में जाना नहीं चाहिए कि रात को सोए और सुबह साफ है, रात को सोए और सुबह साफ, नेकी करो और दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिन जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है और वो गलती कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहली बार ही देख रहा है, उसके लिए गलती गलती नहीं है, उसका तो ओके है, ठीक है। लेकिन जिसने जिसने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया है, मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखे हैं, वेक्टर्स जिसने मुझसे देख लिया, टॉर्क जिसने मुझसे देख लिया, उसमें भी सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपने गलती करी थी और मैंने उसको ठीक करवाया था, ठीक है ना। तो अब बेटा फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो पढ़ लिया दैट शुड बी रजिस्टर्ड इन योर परमानेंट मेमोरी, उसको अच्छे से बैठकर याद करो, उसको कहीं पर अच्छे से स्टार डालकर लिख लो, बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या सही आंसर है इसका, आइए देखते हैं, इसका सही आंसर, इसका सही उत्तर है एंगल बिटवीन आर एंड वी इज, आर और वी के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, आर और वी के बीच का एंगल है बच्चा 90 माइनस थीटा एंगल है इनके बीच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, ठीक है। अभी काफी सारे बच्चे जो 20% बच्चे हैं जो मैंने कहा कि अभी भी गलती कर देंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है नेकी करो दरिया में डाल दे, ठीक है ना, वो अभी भी गलती कर देंगे और बोलेंगे सर आर और वी के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। बच्चा बोलेगा सर ये एंगल है, हालांकि गलत है। क्यों? हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, जब वो दो वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़ते हैं या हेड टू हेड जुड़ते हैं, जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़ते हैं या हेड टू हेड जुड़ते हैं, तब उनके बीच का छोटा एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है ना। सो नाउ द एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा, नॉट, अरे 90 माइनस थीटा कैसे लिख दिया,
90 माइनस थीटा किसने लिख दिया भाई, कमाल हो गया ये। आपको कहते कहते हम खुद गलत लिख गए। द एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा, नॉट 180 माइनस थीटा, नॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। द एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा। बच्चों समझ में आता है आपको? ठीक है, तो आर और वी के बीच का एंगल था थीटा। मतलब मैं आपको कह रहा हूं गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी है, और मैंने खुद ही गलत लिख दिया है। आपने कमाल है, छी 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 छी। रोहित क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो बच्चों के साथ, गंदी बात, गंदी बात, बहुत गंदी बात है। खैर आइए देखते हैं, आप भी तो बताते नहीं हो, चुपचाप बैठे रहोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा ना फिर बोलोगे शार वो देखो आपने वहां पर जो है ना थीटा की जगह बोल तो थीटा रहे हो लेकिन लिख 90 माइनस थीटा दिया है। बाद में बोलते हो, जब पढ़ा रहे हो तभी बोल दिया करो कि एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा। अभी बोलोगे सर लाइव कहां हो आप, लाइव आओ तो हम कहे कि भैया क्या कहते हो, लाइव आ जाए, आ जाए एक दिन लाइव, लाइव कक्षा ले ले आपकी, बहुत मजा आएगा उस दिन, जिस दिन लाइव आएंगे हम। खैर एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा बच्चों, ठीक है। खैर अगर एंगल बिटवीन आर एंड वी हमने थीटा निकाल दिया, आगे बात करते हैं बेटा। ये हमारे पास बेटा ओ है, और हमने कहा कि अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और आर का जो तो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा आर परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू बेटा आर कॉस थीटा, इनफैक्ट आर साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, दूसरा साइन थीटा होता है, इसको बेटा बोलते हैं मूवमेंट आर्म। एंगुलर मोमेंटम को मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जा सकता है। क्या बोल सकता है इसको? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमने रोटेशन अलग तो बोला ही है, साथ में हम उनको बोल सकते हैं मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा, ये हमने निकाल लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो एल की वैल्यू कितनी आती है बताओ बच्चों? इसकी वैल्यू आती है एम वी आर साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने पर आता है बेटा साइन थीटा। डायरेक्शन देखी जाती है आर क्रॉस वी के साथ, मतलब आपको राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करना होता है आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ, और उसके लिए आपको सबसे पहले दोनों वेक्टर को एक जगह पे बनाना होता है, टेल टू टेल जॉइन करना होता है। तो बेटा हमारा आर ये है और हमारा वी ये है, ये आर हमारा है, ये वी हमारा है। देखो ध्यान से, आर और वी इनको टेल टू टेल जॉइन कर दिया, ठीक है ना, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल है। अब क्या करना है डायरेक्शन देखने के लिए? आपको राइट हैंड की फिंगर्स को आर से वी की तरफ घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से घुमाना है, एंड थंब इज गोइंग टू गिव यू into the plane, thumb is going to give you into the plane, ठीक है ना? R vector की tip को V vector की tip की तरफ घुमाएंगे तो thumb is going to give you into the plane, तो यहां पर जो torque, यहां पर जो angular momentum आ रहा है वो into the plane आ रहा है, ठीक है ना? और कितनी value बेटा इसकी? देखो MVR sin theta value है ना इसकी, MVR sin theta value है इसकी। अच्छा अगर MVR sin theta इसकी value है तो हम क्या कह सकते हैं? R sin theta is R perpendicular. So angular momentum about the point O can be written as M R perpendicular into V. मतलब हमें cross product भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहां पर, हमें sin theta भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम केवल perpendicular distance लिख दें अगर तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब या तो R perpendicular ले सकते हो आप लोग, या फिर क्या कर सकते हो आप V perpendicular भी ले सकते हो, या तो R perpendicular ले लो या फिर क्या करोगे बेटा V perpendicular ले लो। मतलब क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा L not is equals to M R into V perpendicular, L not is equals to M into R into V perpendicular, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात? L not equals to MR perpendicular into V या L not equals to MR into V perpendicular, this is what we will get, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो
एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, एक एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इससे पहले मैं एक्सिस पे बढ़ू, यहां पर आप एक स्पेशल केस भी देख सकते हो, यहां पर बेटा आप एक स्पेशल केस भी देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द स्पेशल केस बेटा? तो स्पेशल केस आपके पास ये है कि अगर आपके पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, वो किसी पॉइंट से पास कर जाए, ओ से पास कर जाए, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बेटा कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना बेटा? जीरो आ जाएगा। अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट से पास कर जाए तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो आ जाता है। अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट से पास कर जाए तो एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाता है। अगर पास नहीं कर रही है तो क्या करना है? पास कर गया तो जीरो है, पास नहीं कर रही तो क्या कर रहा है? तो आपको उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वी ही आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझ गए बेटा बात? अब आते हैं अबाउट एन एक्सिस। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे? एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे? बच्चा देखो, बच्चे कैसे निकालेंगे बताते हैं अभी। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास एक एक्सिस है और जो वेलोसिटी है ये उस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, जो वेलोसिटी है वो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस जीरो आएगा, जैसे टॉर्क में होता था, बिल्कुल वैसे। सेकंड केस, अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो लाइन को, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वेलोसिटी की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगेन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस जीरो आएगा, बिल्कुल जैसे कि आप टॉर्क में कर रहे थे वैसा ही यहां पे भी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे कि वेलोसिटी पैरेलल है एक्सिस के तो भी जीरो, इंटरसेक्टिंग है तो भी जीरो। तो अगेन मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं जो मैंने टॉर्क में पूछा था कि क्या ऐसी दो लाइनें आप बना सकते हो जो कि नाइदर पैरेलल हो और नॉर इंटरसेक्टिंग हो, मतलब ना ही दो पैरेलल हो आपस में, ना ही इंटरसेक्ट कर रही हो, ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो और ना ही पैरेलल हो, इज इट पॉसिबल? कमेंट कर दो बेटा। यस बेटा, इट इज पॉसिबल। कैसी लाइंस होती है, क्या नाम है बेटा उनका? क्यू लाइंस। ऐसी लाइंस होती है बेटा, देखो ध्यान से देखो, तो these lines, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, ना ही तो ये पैरेलल दिख रही है आपस में और ना ही ये परपेंडिकुलर दिख रही है आपस में, ना ही तो पैरेलल है और ना ही बड़ा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मतलब ना ही इंटरसेक्टिंग है, इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी और ये एक्सिस आपस में स्क्यू लाइंस हो जाए तभी इनके बीच में एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, मतलब अगर एक्सिस आपके पास ये रही, ठीक है, और आपने कुछ इस तरीके से वेलोसिटी ले ली, अंदर की तरफ ऐसे वेलोसिटी ले ली, ठीक है, और मास इसका m ले लिया आपने, तो ठीक है। तो अब क्या कहोगे बेटा? अब ये नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग वाला केस बन गया ना, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो ये हमारे पास बेटा r परपेंडिकुलर आ गया, और अब आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस इज इक्वल्स टू एम आर परपेंडिकुलर इनटू v। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला आप एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी लिख सकते हो पॉइंट के लिए भी और एक्सिस के लिए भी। फर्क बस इतना है, पॉइंट वाले केस में आपको परपेंडिकुलर पॉइंट से लेना है और एक्सिस वाले केस में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से लेना है, ठीक है ना। अब आप एक्सिस पर इस पॉइंट के अबाउट नहीं लिख रहे हो, इस एक्सिस पर बैठकर इस पॉइंट के अबाउट लिखने की बात नहीं कर रहे हो, इस एक्सिस पर बैठकर इस पॉइंट के अबाउट लिखने की बात नहीं कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट आप लिखना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप पूरी की पूरी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से देखेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट निकलेगा, फिर उसको कंपाउंड लेना पड़ेगा एक्सिस के अबाउट। दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज फॉर टॉर्क, ठीक है बच्चा। चलो अब बढ़ते हैं आगे कुछ प्रश्नों की तरफ। अब आपके सामने एक पार्टिकल है मास m और इसकी रफ्तार v है बेटा, और इसका कोऑर्डिनेट है a कोमा b। ये आपके पास बेटा ओरिजिन है o, और क्वेश्चन पूछ रहा है o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस x के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, y एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन आते ही
पॉज कर देंगे आप वीडियो को और खटाक से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट 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 लिख डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको ऑन करेंगे दोबारा से और देखेंगे सही उत्तर क्या था, मैच करेंगे आपका कि आप क्या कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था। बेटा देखो, जो सही तरीका है पढ़ने का, मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स पढ़ने से नहीं आती है, फिजिक्स करने से आती है। फिजिक्स पढ़ने से नहीं आती है बेटा, फिजिक्स करने से आती है, ठीक है ना। तो बना दो इसका वीडियो और वायरल कर दो इसको, हर जगह भेज दो उसको कि भैया ये रोहित सर कह रहे हैं फिजिक्स पढ़ने से नहीं आती है, फिजिक्स किससे आती है, फिजिक्स करने से आती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को पढ़ने में मजा आता है, करने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो बच्चा चाहता है कि भैया हम उसको पढ़ाते रहे और वो देखता रहे और आनंद जो है लेता रहे कि आ हा 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 सर मजा आ गया, क्या पढ़ाया आपने सर, वंस मोर है, आनंद ले बच्चा बैठ के बस, ठीक है ना। लेकिन बेटा ध्यान रखना, भाग मिल्खा भाग में कौन भागा था बताओ बच्चों, भाग मिल्खा भाग में कौन भागा था, मिल्खा सिंह भागा था या उसका ट्रेनर भागा था, मिल्खा सिंह भागा था कि उसका ट्रेनर भागा था बच्चों, उसका ट्रेनर भागा था दबा के, है ना, बिल्कुल सही कह रहा ना। मिल्खा सिंह आता था सुबह सुबह, आके बैठ जाता था और अपने ट्रेनर को बोलता था बेटा भाग मैं देख रहा हूं तुम्हें, क्या भागा है तू, वाह 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 वा, क्या भागा है तू, मजा आ गया है, ऐसे होता ना बच्चों, क्यों ट्रेनर भागा था बहुत दबा के और मिल्खा सिंह से जीत गया, नहीं ट्रेनर के भागने से कुछ नहीं होता, ट्रेनर के भागने से कुछ नहीं होता, कोच के भागने से कुछ नहीं होता, किसके भागने से होता है, मिल्खा सिंह के भागने से। अगर आपको जीतनी है रेस तो आपको भागना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि आराम से बैठ गए सामने जो है हमने अपना जो है टीवी पे लगा दिया एकदम बड़ी स्क्रीन के ऊपर, रोहित सर दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना, और हम आराम से कंबल लेके बैठे हैं, कॉपी पेन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, कंबल लेके आराम से रजाई में बैठे हैं, रोहित सर को बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह रोहित सर वाह क्या पढ़ाया आपने, वाह सर मजा आ गया, चलो मैं कमेंट करता हूँ रोहित सर वंडरफुल सर वंडरफुल, ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चों। अगर अगर आपको रेस जीतनी है तो क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मिल्खा सिंह ने भाग भाग कर अपने पसीनों से बाल्टी भर दी थी बेटा, अपने पसीने से बाल्टी भर दी थी। तो आपको भी इतने क्वेश्चन करने होंगे कि आप एकदम तैयार हो जाएं उस रेस के लिए और जब भागे तो ऐसा भागे कि कोई पकड़ ना पाए। अरे बेटा समझ में आपको, तो इसलिए कह रहा हूं जब क्वेश्चन दे रहा हूं ना तो ये नहीं सोचना है कि भैया मैं तो बैठा तुम भागो, ठीक है ना। बच्चे चाहते हैं कि भैया वो एक रेस में हिस्सा लें, एक कोच को रखें। अक्सर बच्चा ये करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है मुझे एक रेस में हिस्सा लेना है तो मैंने एक कोच को रखा अपने पास, मैदान में गया बड़ी धूप हो रही है तो एकदम गॉगल लगा के गया हूं, ठीक है ना, गॉगल एकदम बड़ी धूप है क्या करें, गॉगल लगा के जाएंगे हम, ठीक है, गॉगल लगा के गए। फिर कोच को बोला बेटा अब भाग के दिखाओ आप, सर जी जरा भाग के दिखाओ आप। अब कोच भाग रहा है पूरा एकदम दबा के भाग रहा है और भागते भागते चीख भी रहा है, देखो ऐसे भागते हैं, ठीक है ना। और आप कह रहे बड़ी गर्मी हो रही है, काम करते थोड़ा छाता लगाते हैं, कुर्सी वर्सी लाते हैं। आपने कुर्सी लगा ली है, छाता लगा लिया है, आराम से आप बैठे हुए हो, साथ में आपके हाथ में जूस, उसको भी स्ट्रॉ से पी रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो, स्टाइल है भैया अपना, ठीक है। और देख रहे हो कोच को, देख रहे हो कोच भाग रहा है, वेरी गुड कोच, बहुत बढ़िया। अब भाग के आया एकदम, कोच पसीनो पसीनो एकदम हो रहा है, आपको लोग समझ में आया, आप लोग समझना तो ठीक है लेकिन मजा नहीं आया हमें, आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है। अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे तो हम कैसे तोड़ेंगे भैया, है दोबारा भाग के दिखाओ सर, वंस मोर, हमें नहीं पता, हम नहीं खेल रहे, एक बार फिर से भाग के दिखाओ। आप आराम से बैठे हो, कोच बेचारा सुबह से शाम तक भाग रहा है। फाइनली जब रात होने लग जाती है, कोच थका मांदा आपके पास आता है, कहता है भैया कुछ समझ में आया, हाँ सर थोड़ा बहुत तो आया है, ज्यादा तो नहीं आया है पर थोड़ा बहुत तो आया है समझ में। तो कोच कहता ठीक है बेटा, अब मैं जब कल आऊंगा ना तो कल रात में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, दिन भर तो मैं भागा हूँ, रात में आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 100 चक्कर लगाने हैं आपको, कम से कम 100 चक्कर बेटा रात में लगाने हैं आपको, तो फिर कल सुबह मिलेंगे तो हम सुबह पूछेंगे कितने चक्कर लगाए तुमने, ठीक है
जा रहे हैं, अब चक्कर लगाओ तुम जाओ, ठीक है ना। अब कोच चला गया, अगले दिन जब कोच आता है तुमसे पूछता है कितने चक्कर लगाए, अरे सर वो ना नींद आ गई थी, हम ना सर सुबह से बस आपको देख रहे थे ना, पढ़ते पढ़ते थक गए थे आपको देख देख के, सर बहुत आपने कल समझा दिया था, आज सर पक्का लगाएंगे चक्कर, आज पक्का लगाएंगे चक्कर। ऐसे करते हैं बच्चे बताओ। अरे भैया अगर आपको रेस जीतनी है तो भैया कोच के भागने से क्या हुआ, कोच तो केवल आपको कुछ रूल्स और नियम बता सकता है ना, उसके आगे का खेल तो आपका है, तो भागो दो आगे, करो क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया है उसको पॉज करना है और दबा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद पॉज ओपन करना है और फिर वीडियो देखना है, भले 2 घंटा लग जाए वीडियो देखने में, लेकिन समझ में आनी चाहिए सारी बातें, क्वेश्चन साथ साथ बना ले गए तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। अपनी गलतियां साथ साथ देख डाली आपने कि मैंने ऐसे किया और गलती मेरे सामने सामने, तब मजा आएगा पढ़ने का। आइए बेटा, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, पॉज करके सॉल्व कर लिया हो तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो अगर पॉइंट ओ के अबाउट आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम तो बहुत सिंपल सादी सी बात है, इस लाइन को करेंगे एक्सटेंड और इस पे डालेंगे आप परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, ए के या बी के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर है कि बी के बराबर है, बी के बराबर, तो बी तो वाई कंपोनेंट होता है तो वाई डायरेक्शन में बी आ गया, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना होगा, एम वी बी, आर परपेंडिकुलर इज बी, एम वी बी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, बहुत सिंपल सादा सी बात है, ठीक है ना। अब अगर आप देखना चाहते हो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए तो एक तरीका आपके पास है कि आप आर वेक्टर को ड्रॉ कर लो, या तो ऐसे आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बी और वी, और B से V की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लो, थंब इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमें इस पे धागा बांध दूं ऐसे, इस पार्टिकल में धागा बांध दूं ऐसे ताकि ये पार्टिकल O के अबाउट घूमना शुरू कर दे, तो जो ये वेलोसिटी इसकी है तो वो इसको ऐसे घुमाने वाली है या उल्टा ऐसे घुमाने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एंगल छोटा बन रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ आएगा तो ये इसको ऐसे घुमाने वाला है, तो अगर ऐसे घुमाने वाला है तो राइट हैंड की फिंगर्स भी आप ऐसे कर करोगे पॉइंटिंग इनटू द प्लेन आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि यहां पर जो ये वेक्टर था वो इनटू द प्लेन था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं हम आगे की आगे और बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस। अब बताओ मुझे कितना होगा बेटा ये, तो वेलोसिटी क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा ये जीरो होगा, y के अबाउट निकालेंगे तो वेलोसिटी y को कट करते हुए जा रही है इसलिए y के अबाउट भी जीरो होगा, लेकिन जड़ की बात करें तो जो ये वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी है ये इस एक्सिस के ना ही तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, इसलिए हमें इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, जो मुझे b ही दिख रहा है, जो मुझे b ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर भी एम वी बी ही आने वाला है, ठीक है ना, एम वी बी ही आने वाला है, लेकिन आएगा माइनस जड़ के अलोंग तो हम लिखेंगे इनटू द प्लेन, क्रॉस का मतलब बेटा इनटू द प्लेन होता है, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न करते हैं बेटा, अगेन प्रश्न आपके सामने, क्या करना है आपको, पॉज करना है और क्वेश्चन को दबा के लगा देना है, अपने कमेंट्स के अंदर अपने आंसर लिख देने हैं, उसके बाद आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ये पेंडुलम इस तरीके से है, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, ठीक है। ये मास m है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, हम o के अबाउट o डैश के अबाउट निकालना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना कितना होगा, और लाइन एक्सिस o o डैश के अबाउट भी निकालना चाहते हैं। अगर पहले मैं o o डैश के अबाउट ही बात कर दूं तो ये वेलोसिटी जो है वो o डैश एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, इसलिए इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा जीरो के बराबर। अगर पॉइंट o की बात कर दी जाए तो पॉइंट o के लिए अगर हम कहें तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके साथ, वेलोसिटी का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है यही आर परपेंडिकुलर आपके पास है, तो आप कहेंगे v l m, यही आपका एंगुलर मोमेंटम है o पॉइंट के अबाउट, और इसके अबाउट ये घूम रहा कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ, मतलब आउटसाइड द प्लेन हमारा एंगुलर मोमेंटम हमको दिख रहा है इस इंस्टेंट पर। अगर पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो हम वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, या फिर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, उन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं। तो अगर हम इस वेलोसिटी के दो टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा बेटा इस डायरेक्शन में आएगा और एक टुकड़ा बेटा इस डायरेक्शन में आएगा। जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का टुकड़ा आने वाला है वो कितना होगा बेटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये भी थीटा होगा,
ये v है तो बेटा ये v cos थीटा होगा और बेटा ये v sin थीटा होगा। आई बात समझ में आपको? मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो आपको वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना होता है, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा टफ लगा, तो मैंने क्या किया बेटा यहां पर, मैंने क्या किया यहां पर, मैंने कहा कि अच्छा ये टफ है ना, तो इसको आसान बना लेते हैं। अब आसान कैसे बनाएंगे भैया इसको, हम कैसे आसान बनाए इसको हम, ठीक है? तो आसान बनाने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि एक काम करते हैं वेलोसिटी के कंपाउंड ले लेते हैं, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो वेलोसिटी का तो ये वाला कंपाउंड है बेटा, ये थीटा के साथ वाला कंपाउंड कॉस थीटा होता है, तो वी कॉस थीटा, दूसरे वाला वी साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब जो वी कॉस थीटा है ये ओ डैश से पास कर रहा है, तो वी कॉस थीटा क्योंकि खुद पॉइंट से पास कर रहा है इसलिए इसका कंपोनेंट ओ डैश के अबाउट जीरो आएगा, इसका कंपोनेंट ओ डैश के अबाउट जीरो आएगा, लेकिन वी साइन थीटा, वी साइन थीटा का कंपोनेंट आपको वी साइन थीटा की वजह से आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा ओ डैश के अबाउट। तो अगर ये एल है तो बेटा ये होगा एल कॉस थीटा, और बेटा जो ये लेंथ है ना ये होगी L sin थीटा, ये होगी बेटा L sin थीटा, ठीक है? तो V sin थीटा into L sin थीटा, अब देखो जो ये वाला कंपोनेंट है इस वाले कंपोनेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा है, इस वाले कंपोनेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा, और ये तो खुद ही पॉइंट O से पास कर रहा, तो इसकी वजह से जीरो हो गया, इसकी वजह से आएगा कितना आएगा बेटा, इसकी वजह से M V sin थीटा into L sin थीटा, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? और डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो अगर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर हम मान लें कि जो ये पार्टिकल मास m का है और ये o डैश हमारे पास है और वेलोसिटी ऐसे है, तो बेटा इसके इस पार्टिकल को इसके बॉडी ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा ना, अगर ऐसे घुमाएगा तो बाहर की तरफ आपको मिलने वाला है, बाहर की तरफ मिलने वाला है इसके बॉडी भी, तो ये आपको ये मिल गया। आ रही बेटा बात समझ में आपको? तो बाहर की तरफ आपको ओ डैश के बाउट भी मिल रहा है, ओ के बाउट भी मिल रहा है, और ओ डैश के बाउट जीरो मिल रहा है। ये आपके बेटा आंसर्स हैं, जिन जिन बच्चों ने बिना देखे यही आंसर निकाले खुद को शाबाशी दो, जिन्होंने बिना देखे नहीं निकाले वो मुझको शाबाशी दो। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस बार मैंने इस पार्टिकल को कोनिकल पेंडुलम में घुमा दिया है, कोनिकल पेंडुलम में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये पार्टिकल का मास m है और ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो सबसे पहले तो आप मुझको ये बताएं कि इसका वेलोसिटी कितना है और किस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों? करना आपको वही है, क्वेश्चन आते ही पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद पॉज ओपन करके आपको आंसर देखना है, ठीक है? तो भैया इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हमने कहा कि देखो देखो भैया एल के करेंगे दो टुकड़े, ये होगा एल कॉस थीटा और ये होगा L sin थीटा। याद रहे थीटा के साथ वाला होता है cos थीटा, दूसरा होता है sin थीटा। अब घूमने का जो ओमेगा है वो तो ओमेगा है, तो इसका वेलोसिटी बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ इसका वेलोसिटी होगा, और कितना वेलोसिटी होगा इसका बाहर की तरफ, तो बेटा वो होगा L sin थीटा इनटू ओमेगा, ये इसका वेलोसिटी है। L sin थीटा इनटू ओमेगा इसका वेलोसिटी बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ इसका वेलोसिटी L sin थीटा इनटू ओमेगा आ रहा है, ठीक है? वेलोसिटी मिल गया, मास हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है आसानी से। सबसे पहले पॉइंट ओ की बात करते हैं, अगर सबसे पहले पॉइंट ओ की बात करें तो वेलोसिटी अगर ऐसे है और हमारे पास आर ऐसे है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड वेलोसिटी वेक्टर, आर हमारा ये है ना, यही हमारा आर है, और वी बाहर की तरफ है, तो आर और वी के बीच में कितना एंगल है? तो होता क्या है, बच्चे ने कहीं पर भी अगर एंगल थीटा एक बार देख लिया तो बच्चे को लगता है कुछ भी पूछ लो एंगल तो थीटा ही होगा किसी के बीच में भी, तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, आपको बनाकर देखना है कि R हमारे पास ये रहा, V हमारे पास ये रहा, R और V के बीच में एंगल 90 है, यहां पर 90 एंगल है यहां पर R और V के बीच में, बड़ा आ रही बात समझ में आपको? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी M इंटू V, V कितना बेटा L sin थीटा इंटू ओमेगा, एंड आर परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास एल ही है, एल इज आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो हम सोच सकते हैं एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा। अगर इसको एक रस्सी मान ले और इसको घुमाए तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम आपको मिलने वाला है इस पार्टिकल का कुछ तिरछा ऐसे मिलेगा ओ के अबाउट।
और जैसे जैसे ये घूमेगा ना पार्टिकल, ये एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, समझ में आया कि घूम गए? हैं, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि घूम गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ डैश, ओ डैश के अबाउट हम जानना चाहते हैं कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो भैया देखो, वेलोसिटी ये रही और आर परपेंडिकुलर ये रहा। ओ के लिए आर परपेंडिकुलर ये था, ओ डैश के लिए आर परपेंडिकुलर ये हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, O के लिए R परपेंडिकुलर ये था, O डैश के लिए R परपेंडिकुलर ये होगा। हम जानना चाहते हैं कि भैया इसके लिए कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, M वेलोसिटी, L sin थीटा इनटू ओमेगा इनटू R परपेंडिकुलर दैट इज L sin थीटा, R परपेंडिकुलर दैट इज L sin थीटा, सो इट इज गोइंग टू बी M L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू ओमेगा। डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अगर मैं इसको एक रस्सी मान लूं तो ये इसी सर्कल में घूमेगा और ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ हमें एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है, ऊपर की तरफ हमें एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है O डैश के अबाउट। तो O डैश के अबाउट बेटा ऊपर की तरफ है, O के अबाउट तिरछा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। यहां तक बात समझ में आया बेटा आप लोगों? आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं बेटा O डैश एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप देखेंगे तो O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो तो O डैश एक्सिस के अबाउट दिख रहा है। तो O डैश एक्सिस के अबाउट भी बेटा वही होगा जो O के O डैश के अबाउट था, दैट इज एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू ओमेगा। और यकीन ना हो तो देखो इसके और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, वो L साइन थीटा ही तो है। इस पॉइंट से डिस्टेंस देख लो या इस एक्सिस से डिस्टेंस देख लो वेलोसिटी का कितना है, L साइन थीटा ही तो है, क्यूब एक्सिस है, इसलिए आपके पास ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है मास m का, इसको थ्रो किया गया है u स्पीड से थीटा के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। कहां से थ्रो किया गया है? ओरिजिन से थ्रो किया गया है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन o आफ्टर टाइम t। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं आपको हिंदी में, हालांकि एग्जाम में तो कोई हिंदी समझाने वाला भी आपको नहीं मिलेगा, खुद ही समझनी पड़ेगी। हिंदी ना बोल के मुझे भावार्थ नहीं समझाने आएगा कोई आपको, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो फीलिंग्स आपको खुद समझनी पड़ेगी। अक्सर बच्चे फीलिंग समझ नहीं पाते हैं। देर हो जाती है उसके बाद उनको फीलिंग समझ में आती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बाय द वे, मैं कोई और फीलिंग में मत पहुंच जाना तुम शरारती बच्चे। ठीक है भैया, तो यू हमारे पास है, पार्टिकल को हमने ओरिजिन ओ से फेंक दिया है, इसका मास एम है, थीटा एंगल है, ठीक है, और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, यहां कहीं पर ये पहुंच गया आफ्टर टाइम टी। तो हम जानना चाहते हैं इसकी जो कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वी हो चुकी होगी यहां पर, ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा यहां पर, हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर यू वेक्टर, दैट इज द इनिशियल वेक्टर। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सॉल्यूशन कहां से शुरू हो रहा। तो यू वेक्टर इज द इनिशियल वेक्टर, ठीक है, तो आप और इसका एक्सेलरेशन कितना है बड़ा, जी वेक्टर इसका एक्सेलरेशन है। तो टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद ये पार्टिकल जहां पहुंचेगा उसका पोजिशन वैक्टर कितना होगा, आर वैक्टर कितना होगा, तो बेटा होगा ये होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख दी, यू की जगह पे यू वेक्टर लिख दिया और एक जगह पे जी वेक्टर लिख दिया, इनटू टी स्क्वायर कर दिया। बाद में हम आई कैप जेकब डालते रहेंगे आराम से बैठ के, बट पहले तो समझ में आया ये, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, तो बेटा वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस a इनटू t। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैंने सीधा वेक्टर फॉर्म में लगा दी। तो भैया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा ओ पॉइंट के अबाउट, m R क्रॉस V, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। M R कितना है बेटा हमारे पास, R है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये R है क्रॉस U वेक्टर प्लस G वेक्टर इंटू टी। ठीक है बच्चा लोग, M लिखा हमने, अब क्रॉस करते हैं U और U क्रॉस करेंगे, U क्रॉस G करेंगे,
हाफ, जी क्रॉस यू करेंगे और लास्ट में जी क्रॉस जी रहेगा। ठीक, अब देखो बेटा, ए क्रॉस बी होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और अगर एंगल जीरो हो गया तो साइन जीरो तो जीरो होता है। ठीक है, तो यू क्रॉस यू करेंगे तो बेटा जीरो आएगा, क्योंकि एंगल कितना है यहां पर, जीरो है इनके बीच में, तो बेटा इसको करेंगे तो जीरो आएगा। सिमिलरली जी क्रॉस जी करेंगे तो बेटा जीरो आएगा। अच्छा, दूसरी बात, यू क्रॉस जी एम जी क्रॉस यू एक दूसरे से उल्टे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डायरेक्शन उनकी कहते हैं उल्टी आती, तो हम ए क्रॉस बी को माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मैं जी क्रॉस यू को यू क्रॉस जी करूंगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यू क्रॉस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ यू क्रॉस जी इंटू टी स्क्वायर। मैं स्टेप लिख देता हूं आप लोगों के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यू वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ यू वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस हाफ हाफ ही तो आएगा, वन माइनस हाफ हाफ ही तो आएगा। ठीक है ना, तो अब कितना बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा हाफ एम यू वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अब यू क्रॉस जी करने के लिए आपको यू और जी के बीच का एंगल भी तो चाहिए, तो इनके बीच में एंगल है बेटा 90 प्लस थीटा इनके बीच का एंगल। मैं अगले पन्ने में लिख देता हूं इसको, हाफ एम यू क्रॉस जी इंटू टी स्क्वायर। और इनके बीच में एंगल था 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लिखा हमने, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, और क्या चाहिए हमें, दैट्स द आंसर। तरीका आपके सामने आया, बहुत सिंपल तरीके से हम उसको खींचते हुए ले गए अपने आंसर को, और हमारे पास बखूबी एक आंसर जो है वो यहां पर आ चुका है, मजेदार शानदार आंसर हमारे पास यहां पर आ चुका है बेटा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी की। अब रिजिड बॉडी में हमारे पास अलग अलग केस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से केस होते हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि आपने काइनेटिक एनर्जी के केस में देखा था, तीन हमारे पास केस थे, वही तीन केस आपको मिलेंगे, ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा, प्योर ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट घूमता नहीं है केवल आगे बढ़ता है, घूमता नहीं है केवल आगे बढ़ता है, तो हर एक पॉइंट जो है वो इस तरीके से चल रहा होगा, जो सेंटर ऑफ मास है ना वो भी चल रहा होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास का स्पीड VCM है तो बेटा सबका स्पीड ही बेटा VCM ही होगा, तो सबका स्पीड बराबर होता है, किसी का स्पीड चेंज नहीं होता है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको इस बॉडी को, क्योंकि तो बॉडी घूम नहीं रही है, तो आप इस बॉडी को एक पॉइंट मास मान सकते हो, इसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए आप इसको एक पॉइंट मास की तरह से ही ट्रीट कर सकते हो, सेंटर मास पे रखा हुआ। ठीक है, तो आप करना क्या होगा, आप बाकी सारी वेलोसिटी को भूल जाएंगे और केवल केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को देखेंगे और उसकी लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे और उसके ऊपर परपेंडुलर ड्रॉप कर देंगे, तो इसको आप RCM परपेंडुलर बोल सकते हो, इसको आप बेटा RCM परपेंडुलर बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के ऊपर परपेंडुलर है ये, और आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल्स टू M RCM क्रॉस VCM, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो, और अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में निकालना चाहते हो तो RCM परपेंडुलर इंटू VCM। तो आपको बाकी वेलोसिटी से जरूरत नहीं है, बट घूमना नहीं चाहिए, घूमेगा चीजें बदल जाएगी, सीधा वैसे चल रहा है तो ये फॉर्मूला आपको बनेगा, सेंटर मास की वेलोसिटी एक्सटेंड करो, उस पेपर पेंडल ड्रॉप करो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं बेटा। तो पहला एग्जांपल ये है, मास एम है, लेंथ एल है, सेंटर ऑफ मास जो है वो वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बॉटम पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं।
ठीक है ना। तो अगर ये पूरी की पूरी रॉड ऐसे ही जा रही है, घूम नहीं रही है, कोई ओमेगा नहीं है इसके पास, पूरी रॉड ऐसे जा रही है, तो आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या करेंगे बेटा, एक्सटेंड करेंगे, आगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये एल बाई टू आ जाएगा। तो बस सिंपल सी बात, एंगल मोमेंटम अबाउट ओ इज एम वी परपेंडिकुलर, वी इंटू आर सी एम परपेंडिकुलर, एम वी एल बाई टू हमारा आंसर है, एम वी एल बाई टू हमारा आंसर है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास से नीचे आ रहा है, तो हमारे पास ये हमने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, हम पॉइंट ए के अबाउट एंगल मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, मास तो एम है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी तो वी है, ठीक है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है आपको, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है ये एल बाई टू है, और इस ट्रायंगल के अंदर थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, तो ये होगा एल बाई टू इंटू कॉस थीटा। तो इस वेलोसिटी के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये है एल बाई टू कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे एल बाई टू कॉस थीटा, सिंपल ऐसे आंसर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्योर रोटेशन वाला केस देखते हैं। तो बेटा जो प्योर रोटेशन होता है उसमें आपको कोई हिंज मिलता है या एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलती है जिसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी घूम रही होती है, ठीक है, उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी घूम रही होती है, वो पॉइंट समय के साथ बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, तो वो प्योर रोटेशन क्या है, ठीक है, मतलब उस इंस्टेंट के लिए एटलीस्ट वो प्योर रोटेशन हो जाएगा, चेंज भी होगा, बट वो पॉइंट हैज टू बी एड्रेस्ड जिसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है। इसको आप हिंज्ड पॉइंट कह सकते हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हो। तो आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम, आप निकालोगे भी इसी एक्सिस के अबाउट ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, हिंज एक्सिस आप बोल सकते हो, अबाउट द रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू आई अबाउट द रोटेशनल एक्सिस इन टू ओमेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और उसी एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे इस केस में देखते हैं, इस केस में ये रॉड ओमेगा से घूम रही है, किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है ना। अगर ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, ओमेगा से घूम रही है बेटा इस पॉइंट के अबाउट, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम आने वाला है ना, इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ए, और ये अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री, एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा, सिंपल एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा, दैट इज द सिंपल इस पॉइंट एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो हमने हिंज किया है ना इसको, उसको हमने यहां से हिंज कर दिया, इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, अब ये एंड वाला पॉइंट नहीं है, बीच में कोई हमने पॉइंट यहां पर ले लिया है, ठीक है, और हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इसका मास एम हमारे पास है, सबसे पहले हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पैरल एक्सिस थ्योरम, उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। अब आप पिछले क्वेश्चन में तो हमने एम एल स्क्वायर बाय 3 लिया था, यहां पर आप एम एल स्क्वायर बाय 12 कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैंने पिछले केस में इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था और इसके अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, और इस केस में मैं आपको बता रहा हूं इसके अबाउट, और इसके अबाउट होता है बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे सेंटर मास हिंज नहीं है, हिंज तो पॉइंट ए है, तो सेंटर मास के अबाउट तो निकल गया, ए के अबाउट कितना आएगा, आप बोलोगे आई अबाउट ए इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ICM है ML square by 12 plus MD square, D कितना है बेटा यहां से यहां तक L by 4 ही तो है ये डिस्टेंस, वन बाय 12 प्लस 1 बाय 16, ठीक है। LCM यहां पे हम ले सकते हैं 48 LCM आ रहा है बेटा, ये 4 प्लस 3 आ रहा है ML square, 7 by 48 ml square, ये हमको मिल रहा है, ठीक ना। तो 12 चौक 48, 16 तीन 48 आपको मिल रहा है, 7 और डिवाइड बाय 48 ml square, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए आ गया,
एक बार हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, आगे हमें क्या करना है, आई अबाउट ए इंटू ओमेगा करना है, केवल ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। देखो जिस तरीके से आप लिखते हो, देखो जिस तरीके से बेटा आप लिखते हो ना, लीनियर मोमेंटम को लिखते हो एम इंटू वी, तो बेटा एम की जगह पर आई आ गया, वी की जगह पर ओमेगा आ गया, उसी फॉर्म में तो है। ये प्योर ट्रांसलेशन के लिए लीनियर मोमेंटम है, ये प्योर रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम है। तो एम की जगह पर आई, वी की जगह पर ओमेगा, सिंपल सी करी बात, हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अगला केस देखते हैं बेटा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अब ये फिक्स्ड एक्सिस हमारे पास है, इसके अबाउट घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है ये बेटा। यहां पर ये आपके पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है। अच्छा, ये रोल नहीं कर रही, जमीन नहीं है, हवा में घूम रहा है, हवा में घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है हवा में, ठीक है। तो जब ये हवा में घूम रहा है, इस तरीके से हवा में घूम रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम कहेंगे देखो, अच्छा ये रॉड तो मासलेस ही है, तो हम इसका मूवमेंट रोटेशन निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा कर देंगे, क्योंकि प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन है, ठीक है। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का, हमें पता है इसके अबाउट तो होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय फोर, और इसका इसके अबाउट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाय फोर, दैट इज आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, डी कितना है बेटा 2R। हमने क्या लगाया बेटा यहां पे, हमने लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम टू आर का स्क्वायर, ये हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। बस इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मैं एम आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, 1 बाय 4 प्लस 4 कर रहा हूं, तो 17 बटा 4 एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा करेंगे तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस ए ए डैश के अबाउट, हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बेटा, एल मिल जाएगा ए ए डैश एक्सिस के अबाउट, ठीक है बेटा, तो बचने वाली बात नहीं है। अगर इस केस में हमने क्या कहा, जो रॉड है इसके पास भी मास होता तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें निकाल के जोड़ना पड़ता। कैसे जोड़ते, देखो रिंग का कितना, डिस्क का कितना आएगा हमारे पास, डिस्क का कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बेटा, तो डिस्क का आता है बेटा एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम इंटू टू आर का स्क्वायर, और जो ये रॉड है इसका आता है बेटा एम एल स्क्वायर, दैट इज टू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, थ्री को ले लेंगे क्योंकि इसके बाद सेंटर मास के बाद लेंगे तो एम एल स्क्वायर बाय 12 लेंगे, इसके बाद एम एल स्क्वायर बाय 3 डायरेक्टली हमको याद होता है, इसलिए एम एल जो कि 2R है स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये उसका उसके एक्सिस के बाद, ठीक है। बस इसको जोड़ देंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ए डैश एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो निकालते हैं इसको, एम आर स्क्वायर को हम ले लेते हैं कॉमन, 1 बाय 4 प्लस 4 प्लस 4 बाय 3 इंटू ओमेगा, एलसीएम बेटा 12 आता हुआ मुझे दिख रहा है, इसका मतलब एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 प्लस 12 चौक 48 प्लस 4 चौक 16, 3 12 4 3 12, 12 चौक 48, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो हम यहां पर देखें तो ये 16 चौक 64 मुझे मिल रहा है, प्लस 67 मिल रहा है, तो 67 बाय 12 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन आप खुद भी बात चेक कर सकते हो सारी अच्छे से, जो जल्दी जल्दी से आपके लिए कर दिए हैं, होपफुली भी गलती मैंने नहीं करी है, बट आप लोग देख सकते हैं फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो लास्ट केस आ रहा है शानदार केस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास चल भी रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट घूम भी रहा होगा। ऐसे में हम इसको ट्रीट करेंगे एक पार्टिकल की तरीके से जो कि सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है और VCM से आगे जा रहा है, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी को ओमेगा दे देंगे, ठीक है ना। तो दो केस लेने वाले हैं, तो कोई भी अगर हमने एक पॉइंट ले लिया उस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे एक बार तो हम फॉर्मूला लगाएंगे MRCM क्रॉस VCM का, इसको पार्टिकल मानते हुए लगाएंगे, और एक बार हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा बेटा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का, आईसीएम इंटू ओमेगा। एक बार सेंटर मास के लिए आईसीएम इंटू ओमेगा लगा देंगे और एक बार आरसीएम क्रॉस वीसीएम लगा देंगे,
दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का भी रखना पड़ेगा ख्याल, ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चंस को लगाते हैं क्वेश्चन, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ये बेटा एक पार्टिकल के लिए जो सेंटर मास का रखा हुआ माना है, और सेंटर मास वर्ड प्योर रोटेशन के लिए आईसीएम ओमेगा, जैसे कि हम रोलिंग मोशन में करते थे, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंसीडर करके सॉल्व कर लेते थे, वैसे हमने यहां पर भी किया है। आओ क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आपके सामने है प्योर रोलिंग, मास एम रेडियस आर, और आईसीएम क्या है, जड़ एम आर स्क्वायर। आईसीएम क्या है, जड़ एम आर स्क्वायर। जब आईसीएम जड़ एम आर स्क्वायर है तो ये आगे बढ़ रहा है, आईसीएम जड़ एम आर स्क्वायर तो ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर आईसीएम जड़ एम आर स्क्वायर है, ये रोल करते हुए ऐसे, ये रोल करते हुए ऐसे आगे जा रहा है, रोल करते हुए ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, देखो अगर ये ऐसे रोल करते हुए आगे जा रहा है ना, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आगे भी जा रहा है घूम भी रहा है। तो प्योर रोलिंग का मतलब है ओमेगा कितना होगा, तो हम बोलेंगे v बराबर r ओमेगा, बोलेंगे v बराबर r ओमेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने दिखाया नहीं है, बट ये घूम भी रहा होगा, कोई प्योर रोलिंग लिखी है। ये राउंड ऑब्जेक्टली हमने आईसीएम आपको दे रखा है, जनम आर स्क्वायर। अब बॉटम ऑफ पॉइंट ए के अबाउट हम एंगल मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं और सी के अबाउट भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम बॉटम ऑफ पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे तो हम इसकी वेलोसिटी को पहले करेंगे एक्सटेंड, इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, और हमें मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के ही बराबर है, इसका मतलब एम वीसीएम तो वी हो गया और आर परपेंडिकुलर आर हो गया। डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी, देखो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, मेरा आर परपेंडिकुलर ऐसा है और मेरा वी ऐसा है, वी मेरा ऐसा है, आर परपेंडिकुलर मेरा ऐसा है, ठीक है ना। ये मेरा आर परपेंडिकुलर ऐसे हो गया और वी मेरा, दोनों को मैंने एक जगह पर ड्रॉ कर लिया, आर परपेंडिकुलर वी को मैंने एक पॉइंट पर ड्रॉ कर लिया। अब मुझे फिंगर्स कर्ल करनी है आर परपेंडिकुलर से वी की तरफ, आर परपेंडिकुलर से वी की तरफ, तो इनटू द प्लेन जा रहा है ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इनटू द प्लेन है, इसकी डायरेक्शन क्या बेटा, इनटू द प्लेन है, ठीक। अब देखो ओमेगा किस डायरेक्शन में है, ओमेगा भी तो इनटू द प्लेन ही है, ओमेगा भी तो इनटू द प्लेन ही है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगला क्या लिखेंगे हम, आईसीएम ओमेगा लिखेंगे। तो व्हाट इज आईसीएम, तो हमें पता है कि एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसका मूवमेंट इनर्शिया है आईसीएम जेड एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, जेड एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है। और ये भी बेटा इनटू द प्लेन है, इसे दोनों के दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। हमें मिलेगा एम आर ओमेगा को हम वी लिख सकते हैं, तो एम वी आर वन प्लस जेड इनटू द प्लेन। ये है पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, बहुत सिंपल सी है बात। हमने यहां पर आर ओमेगा को, आर ओमेगा को वी लिख दिया, एक आर बचेगा वो बाहर निकाल दिया, उसको बचेगा नहीं, तो वी के ऊपर कुछ आएगा नहीं, तो जो सी पॉइंट है उसके अबाउट वी के अबाउट कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला वी के अबाउट, तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है अभी जो है, सी से ही पास कर रहा है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम होगा जीरो। बट सी के अबाउट ओमेगा तो है ना, सी के अबाउट ओमेगा तो है ना, तो इसलिए आपको आईसीएम ओमेगा मिलेगा इसमें। वी पे परपेंडिकुलर नहीं मिला बिकॉज वी तो खुद ही इस पॉइंट से पास कर रहा है, वी तो खुद पॉइंट सी से पास कर रहा है ना। अगर वी सी से पास कर गया तो जब हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे उसकी वजह से जीरो आ जाएगा, लेकिन रोटेशन वाले फैक्टर की वजह से तो आएगा ना, तो हम बोलेंगे जीरो प्लस जेड एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू द प्लेन, सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना आ रहा है। तो आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो पॉइंट स्पेसिफिक होता है, कि किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो। एंगुलर मोमेंटम इज पॉइंट स्पेसिफिक, लोकेशन ऑफ द पॉइंट पर डिपेंड करता है, दूसरा इट इज ऑल्सो फ्रेम स्पेसिफिक, ठीक है ना, मतलब वो रेफरेंस फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। अगर वो पॉइंट चल रहा है कि रुका हुआ है, उसके हिसाब से लोटी बदल जाएंगी, रिलेटिव मोशन बदल जाएगा, ठीक है ना, और उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी बदल जाएगा। तो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना है कि मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं या निकाल रही हूं, व्होएवर यू आर, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैंने डायरेक्शंस के लिए आपके सामने क्वेश्चन रखा है, और जरूरी नहीं है कि राउंड ऑब्जेक्ट ही हो, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट रॉड भी मिल सकती है। तो अगर हमारे पास ये रॉड है, ये ऐसे जा रहा और घूम रहा, तो सबसे पहले मैं इस वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड करूंगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये एल बाय टू आएगा। दूसरी बात, ये पॉइंट ए के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहा है ना, इसको अगर मैं यहां पर एक धागा बांधू तो इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, मतलब इन टू द प्लेन घुमा रहा है। ओमेगा उल्टा है, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों बेटा उल्टे हैं, दोनों उल्टे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं इस वाले डायरेक्शन को, मतलब इनटू द प्लेन में पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं
कि एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट कितना होगा, तो बेटा होगा एम मास एम स्पीड वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, मास एम स्पीड वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, और यह है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन मैंने पॉजिटिव ले लिया तो आउट ऑफ द प्लेन मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12 लेंगे इनटू ओमेगा। अब ये वी इसको घुमा रहा है इस तरीके से, मतलब मैंने अगर यहां पर एक पॉइंट ऐसे धागा बांध दिया, इस धागा को वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से घुमाएगी, सर्कम्फेरेंस डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी का, और वो उसको ऐसे घुमाने वाला है, ठीक है ना, ये उसको ऐसे घुमाने वाला है, ऐसे का मतलब है इनटू द प्लेन, ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन, तो दैट मच इनटू द प्लेन, जिसको आपने पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में आप बोलेंगे इनटू द प्लेन, अगर पॉजिटिव आया तो सही है इनटू द प्लेन, नेगेटिव आया तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये अबाउट ए आ गया। अब इस केस में क्या है, इस केस में दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल केस है, डिफरेंस क्या है, ओमेगा के डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो यहां पर भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एल बाई टू ही है, तो एम इंटू वी इंटू एल बाई टू लिखना पड़ेगा इंटू द प्लेन, बट ओमेगा भी इंटू द प्लेन है, इसलिए प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा लिखेंगे, और पूरा का पूरा आंसर आपको इंटू द प्लेन ही आ रहा होगा, यहां पे माइनस है वहां पे प्लस है, ओमेगा के डायरेक्शन का भी आपको रखना है ध्यान, उसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो निकलने वाला है, समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हमने जो पढ़ा आपके सामने है पूरा का पूरा बही खाता उसका आपके सामने है बेटा, ठीक है ना, माइंड मैप पूरा मैंने आपके बना के दे दिया है आपको भी बेटा, देखो ये वो चीज है, ये वो ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी घर पे बैठ के करना है, आपको भी घर पे बैठ के करना है, ऐसे बनाते हैं माइंड मैप, ऐसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, ऐसे करना होता है रिविजन, ठीक है ना, मतलब रिविजन जब आप करते हैं तो आपको इतना एक घंटे का लेक्चर देखो तो पागल हो जाओ रिवीजन के अंदर, तो रिवीजन में क्या करना है, एकदम शॉर्ट में सब कुछ लिखा हो आपके सामने, एक पन्ने के ऊपर पूरा एंगुलर मोमेंटम समा गया, ये रहा वो पन्ना, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पन्ना है आपका, बस इस पन्ने को ही आपको बढ़िया से लिख लेना है, ज्ञान सारा इस पन्ने पर है, कैसे बनाया, देखो हमने एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का, एक रिजिड बॉडी का, पार्टिकल का एक पॉइंट के अबाउट, पार्टिकल का एक एक्सिस के अबाउट, पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो क्या करना है, एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी करना है, स्पेशल केस क्या है, वेलोसिटी किसी पॉइंट से पास कर जाए तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाता है, एक्सिस के अबाउट क्या करना है भैया, एक्सिस के अबाउट आपको एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो दोनों स्क्यू होने चाहिए, और स्पेशल केस क्या है, पैरेलल हुआ तो भी जीरो, इंटरसेक्टिंग हुआ तब भी जीरो, रिजिड बॉडी का प्योर ट्रांसलेशन केस, प्योर रोटेशन का केस, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का केस, प्योर ट्रांसलेशन में सेंटर ऑफ मास को बांधते हुए निकालना है, एम आर सी एम परपेंडिकुलर इंटू वी सी एम करेंगे, प्योर रोटेशन में आपको आई रोटेशन इंटू ओमेगा करना है, और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में बेटा आपको एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा पूरा लिखकर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चा लोग, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बेटा देखो जब आप लेक्चर पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप हर एक लेक्चर का इस तरीके से समरी जरूर बनाओ, ऐसे बनाते हैं बेटा समरी बनाते हुए चले जाओ उसकी, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे स्पेशल केसेस, ये सारी सिद्धियां जो रोहित सर ने बताई हैं, ठीक है ना, वो सारी आप एक पन्ने पर लिखते हुए चले जाओ, ठीक है ना, हर एक टॉपिक का आपका एक पन्ने से ऊपर नहीं भरेगा बेटा, ठीक है ना, और पूरा का पूरा टॉपिक जो है उस पन्ने में समा जाएगा, बस उसके बाद क्या है, बस उसको पढ़ो और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस उसको पढ़ोगे और आपका रिवीजन अपने आप ही, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके सामने लिखे हुए होंगे, तो फटाफट रिवीजन होती हुई चली जाएगी, ठीक बच्चों, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी रहिए, काफी है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बींग, मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू, टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, All the very best.